कोई चलता पद चिन्हों पर, कोई पद चिन्ह बनाता है, बस वही सूरमा वीर पुरुष दुनिया में पूजा जाता है। प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद जैसा डॉक्टर मुझे दूसरा नहीं दिखा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सर हमेशा जमीन से ही जुड़े रहे हैं, ये हर फील्ड में भरपूर वाला है। इनको फादर ऑफ पल्मोनरी मेडिसिन भी कहा जाता है। कुछ लोग कुछ हस्तियाँ इस दुनिया में बने बनाए रास्तों पर चलने के लिए पैदा नहीं होते, वो तो अपना रास्ता खुद तय करते हैं और अपनी मंजिल तक पहुँच जाते हैं। वो अपने रास्ते इसलिए बनाते हैं कि उनके खुद के बनाए रास्ते पर चलकर इस दुनिया के लोगों की जिंदगी आसान हो सके। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की इस सरजमीन ने हजारों नगीने पैदा किए हैं और इसी शहर लखनऊ का एक और नगीना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिन्हें लोग प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद के नाम से भी जानते हैं। प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद इस समय एराज लखनऊ मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल लखनऊ के डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन और पल्मोनरी मेडिसिन विभाग के प्रमुख हैं। इससे पूर्व प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट दिल्ली के निदेशक, उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान और अनुसंधान संस्थान सैफई के निदेशक और पल्मोनरी मेडिसिन विभाग किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में हेड ऑफ डिपार्टमेंट के पद पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त चेस्ट फिजिशियन, जिनके पास 4 दशकों का अध्यापन, अनुसंधान और प्रशासनिक अनुभव है। इसके अलावा ये आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज में ऑनररी कंसल्टेंट और रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम के वाइस चेयरमैन रहे। प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद पल्मोनरी मेडिसिन में गुणवत्ता परक चिकित्सा के लिए जाने जाते हैं, जिनके पास दशकों का अनुभव है और इस अनुभव के जरिए उन्होंने अपने विद्यार्थियों को भी अपने गुण दिए हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में एज ए टीचर बात करें तो मैं ये बहुत कन्विक्शन और विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि वो समय उस समय में अपने समय के और टीचरों से वो आगे थे। इनके पढ़ाए हुए छात्र आज पल्मोनरी मेडिसिन और चेस्ट डिजीज के क्षेत्र में प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद का नाम देश विदेश में रोशन कर रहे हैं। शिक्षण अनुसंधान और प्रशासनिक क्षेत्रों में अपनी गतिशील नेतृत्व से प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद ने देश और दुनिया के कई पुरस्कार अपने नाम किए हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आज जिस मुकाम पर हैं, वो मुकाम कामयाबी, इज्जत और रुतबे का है, पर उस मुकाम पर पहुंचने की कहानी संघर्षों से भरी है। 17 फरवरी 1950 उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के कस्बे मुंडेरवा में स्वर्गीय गोपीचंद जी और विजय लक्ष्मी के घर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम रखा गया राजेंद्र। गोपीचंद एक सफल व्यवसायी थे, उनका कपड़े का व्यवसाय था। वो नहीं चाहते थे कि उनके दोनों बेटे बजरंगदास या राजेंद्र प्रसाद कपड़े का व्यवसाय करें। प्रोफेसर बजरंगदास प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद से 5 साल बड़े हैं। जब प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद जन्मे उस वक्त उनके गांव में बिजली का कोई नामो निशान नहीं था और पूरे गाँव में महज एक ट्रांजिस्टर हुआ करता था। इन हालातों में भी गोपीचंद चाहते थे कि उनके दोनों बेटे पढ़ लिख कर डॉक्टर बने और समाज की सेवा करें। प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद बचपन से ही विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने
प्राइमरी स्कूल मुंडेरवा से कक्षा 1 से 5 तक की पढ़ाई महज 3 साल में पूरी कर, कक्षा 6 से 8 जूनियर हाई स्कूल अहरा स्टेट से किया, हाई स्कूल हीरा लाल रामनिवास इंटर कॉलेज खलीलाबाद से 1966 में पास किया। हाई स्कूल के जमाने में एक परेशानी थी कि जब भी एग्जाम होते थे ये जनाब बीमार हो जाते, एग्जाम के वक्त इनको टाइफाइड हो गया था। राजेंद्र ने टीचर से बात की, उन्होंने कहा नहीं आप इम्तिहान दीजिए और सब ठीक होगा। मेरे को बड़ा गुस्सा भी आ रहा था, क्या करूं, मैं नॉनवेज का उस जमाने में थोड़ा शौकीन था, तो खलीलाबाद में एक होटल था जो बड़ा मशहूर था, तो मैं जाके वहाँ मन भर पेट भर, क्योंकि 1 महीने से मेरे डॉक्टरों ने खाना बंद कर रखा था, तो मैंने मन भर के खाया और देखा खाने के बाद मेरी तबीयत सही हो गई। फिर मैं हाई स्कूल का इम्तहान दिया और उस कॉलेज में मैं बायोलॉजी सेक्शन में मैं फर्स्ट डिवीजन आया और वहाँ टॉप किया। क्रिश्चियन कॉलेज लखनऊ से इंटरमीडिएट बीएससी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की पढ़ाई पूरी की, इसी दौरान पीएमटी का एग्जाम दिया और एमबीबीएस कोर्स के लिए किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ में सिलेक्शन हुआ। 1974 में एमबीबीएस पूरा कर लिया और 1975 में इंटर्नशिप की और उसी साल 11 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के मुसाफिरखाना जिला सुल्तानपुर निवासी पीडब्ल्यूडी इंजीनियर स्वर्गीय श्री श्याम बिहारी गुप्ता की पुत्री मीरा गुप्ता के साथ विवाह बंधन में बंध गए। शादी के लगभग अभी तो बहुत साल गुजर गए और मैं तो कभी कभी कहता हूँ कि जो भी हूँ मैं इन्हीं की वजह। पत्नी के रूप में मीरा जी ने डॉक्टर प्रसाद का साथ हर कदम पर दिया और उनके हर निर्णय को स्वीकारा और जीवन के हर उतार चढ़ाव में उनकी साथी बनी। 1977 में जब प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद एमडी कर रहे थे तब 2 जून 1977 को डॉक्टर प्रसाद और मीरा जी के घर उनके पहले पुत्र निखिल का जन्म हुआ, जो आज राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लखनऊ में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। इससे पहले 1977 में प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद ने ट्यूबरकुलोसिस एंड चेस्ट डिजीजेस में डिप्लोमा किया। 1979 में एमडी होने के बाद उन्हें अपनी पहली सर्विस पीएमएस में मिली। 25 अगस्त 1984 को प्रोफेसर प्रसाद के घर एक बार फिर खुशियां आई और जेएन हॉस्पिटल रुद्रपुर में मीरा जी ने एक बेटी पल्लवी गुप्ता को जन्म दिया जो आज एमडीएस डॉक्टर है। कभी उन्होंने किसी चीज के लिए प्रेशराइज नहीं किया, मतलब हर समय यही कहा है कि आपका जो मन करता है वो करो और he's been very supportive also. प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद के पास नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज से चेस्ट डिजीजेस एंड रेस्पिरेटरी मेडिसिन में MAMS और FAMS की डिग्री मौजूद है। इसके अलावा प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद ने एलर्जी, इम्यूनोलॉजी एंड रिलेटेड एरोबायोलॉजी, एजुकेशनल साइंस टेक्नोलॉजी, थोरैसिक ऑन्कोलॉजी, एनवायरमेंटल एंड ऑक्यूपेशनल एपिडेमियोलॉजी, ART ट्रेनिंग इन HIV/AIDS, स्लीप मेडिसिन, थोराकोस्कोपी और क्रिटिकल केयर मेडिसिन कोर्स जैसे तमाम स्पेशलिटी रिलेटेड कोर्सेज में स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग हासिल की। प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद भारत को पल्मोनरी डिजीजेस से मुक्त कराने के पद पर आज भी अग्रसर हैं। आज जो देश में इतना जो चल रहा है RNDCP का प्रोग्राम चल रहा है, जो डॉट्स का प्रोग्राम है डॉट प्लस का, जिसमें कि MDR XDR TV सादी TV के अलावा जो है उनका भी इन्होंने भरपूर लड़की बहुत अच्छी तरह से इन्होंने इलाज किया है। किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज के जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर से शुरू होकर वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट से होता हुआ
प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद का सफर आज एराज लखनऊ मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन तक पहुंच चुका है और इन 42 सालों में प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद के करियर में कई पड़ाव आए, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ पल्मोनरी मेडिसिन किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का। प्रोफेसर प्रसाद ने इस पद को 14 सालों तक सुशोभित किया और इन सालों में विभाग में वीडियो ब्रोंकोस्कोपी, मेडिकल थोराकोस्कोपी, थोरैसिक ऑन्कोलॉजी और स्लीप लैब जैसी लगभग आधा दर्जन से ज्यादा सुविधाएं मुहैया करवाकर विभाग को पूरे देश में ख्याति दिलवाई। उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान और अनुसंधान संस्थान सैफई के निदेशक का पद संभालते हुए बहुत ही कम समय में उसे पैरामेडिकल और नर्सिंग कॉलेज के रूप में विकसित किया। अगला पड़ाव रहा वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट दिल्ली के निदेशक का, जिस पर रहते हुए प्रोफेसर प्रसाद ने अपने अनुभव और ज्ञान से संस्थान के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अभी दो दिन पहले उनके दो स्टूडेंट्स आए थे तो वो यही कह रहे थे कि सर हम लोग के लिए लेजेंड थे, तो इतना मतलब इंस्पायर किया है उन्होंने बाकी लोगों के लाइफ को भी, कि वो कह रहे थे कि सर का जो है ऑटोग्राफ लेना बनता है इस बात पर। तो पापा जी सच एन इंस्पिरेशनल पर्सन। शिक्षण अनुसंधान और प्रशासनिक क्षेत्र में प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद के कुशल और गतिशील नेतृत्व ने न उन्हें सिर्फ दुनिया में ख्याति दिलवाई बल्कि उनके इस कौशल ने उन्हें देश विदेश के 50 से ज्यादा पुरस्कार भी दिलवाए, जिसमें भारत में पल्मोनरी मेडिसिन को विकसित और लोकप्रिय बनाने के लिए डॉक्टर बीसी रॉय नेशनल अवार्ड, उत्तर प्रदेश का विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद का विज्ञान गौरव पुरस्कार, इंडियन एसोसिएशन फॉर ब्रोंकोलॉजी का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, यूपी रत्न अवार्ड, ओए शर्मा ओरेशन अवार्ड, एम संतोषम ओरेशन अवार्ड, डीएन शिवपुरी ओरेशन अवार्ड, आईसीएस ऑनर लेक्चर अवार्ड, डॉक्टर रेड्डीज लंग कैंसर ओरेशन अवार्ड, प्रोफेसर रमन विश्वनाथन मेमोरियल चेस्ट ओरेशन अवार्ड जैसे बहुत से पुरस्कार शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद को क्षय रोग और सांस संबंधित बीमारियों के लिए WHO फेलोशिप अवार्ड और अमेरिकन कॉलेज ऑफ चेस्ट फिजिशियन सैन डिएगो कैलिफोर्निया की 68वीं वार्षिक वैज्ञानिक सभा के बेस्ट पेपर अवार्ड से नवाजा जा चुका है। इसमें कोई शक नहीं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पल्मोनरी डिजीजेस के देश के अग्रसर नेताओं में से हैं। उनको बहुत से रिकॉग्निशन मिले हैं इंडिया में, लेकिन मुझे खेद यह है कि उनको पद्म अवार्ड नहीं मिल पाया। प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद की एक उपलब्धि ये भी रही कि वो पल्मोनरी मेडिसिन के क्षेत्र में भारत की 5 राष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्थाओं नेशनल कॉलेज ऑफ चेस्ट फिजिशियंस, इंडियन कॉलेज ऑफ एलर्जी अस्थमा एंड अप्लाइड इम्यूनोलॉजी, इंडियन एसोसिएशन ऑफ ब्रोंकोलॉजी, इंडियन चेस्ट सोसाइटी और ट्यूबरकुलोसिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रहे। अभी तक की लाइफ में जो मैंने देखा अपने बाबा के बारे में कि वो एक बहुत अच्छे डॉक्टर तो हैं, उसके साथ में पूरी फैमिली के लिए वो फिर एक बहुत अच्छे हस्बैंड, बहुत ही अच्छे पापा, बहुत अच्छे फादर इन लॉ एंड बहुत अच्छे ग्रैंडफादर और शायद बहुत ही ज़्यादा अच्छे ह्यूमन बीइंग। प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद को नेशनल अकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज इंडिया, अमेरिकन कॉलेज ऑफ चेस्ट फिजिशियंस USA, रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स ऑफ ग्लासगो, इंटरनेशनल मेडिकल साइंसेज अकेडमी, नेशनल कॉलेज ऑफ चेस्ट फिजिशियन इंडिया, इंडियन चेस सोसाइटी जैसी फेलोशिप के लिए भी चुना गया। इसके अलावा प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद अमेरिकन कॉलेज ऑफ चेस्ट फिजिशियंस के अंतर्राष्ट्रीय गवर्नर भी रहे। मैंने हमेशा महसूस किया कि डॉक्टर की सलाहियत अलग है, उसको अपना वो सब हुनर उसके अंदर उसके हाथों में होना चाहिए जिससे वो मरीज को ठीक कर सके, और अपने इंस्टीट्यूशन को एक जान दे सके, उसको एक पर्सनालिटी दे सके, वो सलाहियत अलग है।
तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद में ये दोनों सलाहियत। पल्मोनरी मेडिसिन के क्षेत्र में एक जानी मानी हस्ती रहे प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद ने संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम RNTCP में बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाई। इनके ही प्रयासों का फल रहा कि किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ में डॉट्स केंद्र की शुरुआत हुई, जो कि भारत के मेडिकल कॉलेज में चलने वाला पहला डॉट्स केंद्र बना। उन्होंने तमाम सरकारी और गैर सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों को इस कार्यक्रम से जोड़ने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद एक उत्कृष्ट चिकित्सक होने के साथ साथ एक बेहद संवेदनशील इंसान भी है। उनका अपने मरीजों के साथ इतना आत्मिक व्यवहार रहता है कि उनके मरीज आधे तो उनसे बात करके ही स्वतः ठीक हो जाते हैं। जो क्वालिटीज प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद ने देखी, बहुत बड़े डॉक्टर होने के बाद भी ऐसा लगता है कि मैं बहुत किसी छोटे जूनियर से अपने बराबर के आदमी से बात कर रहा हूँ। नॉट एनी टाइप ऑफ ईगो। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने हमको सिखाया कि जो मरीज है आप इसको ये समझें कि आपका रिश्तेदार है या आपका भाई है या आपकी बहन है या है जो बेटा है। अगर आप इसको ये समझ के इलाज करना शुरू करेंगे आपको एक बेहतर इलाज और क्या करना है आपको उचित मिल जाएगा। प्रोफेसर प्रसाद अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को भी बखूबी निभाते हैं, जिसके चलते आज तक वो अपने जन्म स्थान मुंडेरवा में हर साल अपने स्वर्गीय पिता की स्मृति में निशुल्क चिकित्सा कैंप लगवाते हैं। प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद जितना सामाजिक दायित्व निभाते हैं उतना ही समय वो अपने करीबी परिवार और दोस्तों को भी देते हैं। कोई भी तरह की मदद किसी को चाहिए तो डॉक्टर सबसे पहले आगे खड़े रहते हैं, तो ये अच्छी चीज़ सीखने वाली है। इतने पोलाइट हैं, अपने मरीजों से कैसे इतना बढ़िया तरीके से बात करते हैं, इतने उम्दा तरीके से अपने दोस्तों से बात करते हैं, तो इनकी तो मिसाल देना एक फर्ज बनता है। क्षय रोग, अस्थमा, एलर्जी, COPD और लंग्स कैंसर जैसे रोगों की समझ डॉक्टर्स और आम जनता में फैलाने में प्रोफेसर प्रसाद का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर 1600 से ज्यादा लेक्चर्स देने और 250 से ज्यादा जागरूकता अभियान और रैलियों को संबोधित करने वाले प्रोफेसर प्रसाद के अब तक करीब 340 स्वरचित लेख, समीक्षा और बुक्स चैप्टर्स छप चुके हैं। इसी के साथ प्रोफेसर प्रसाद ने 7 किताबें भी लिखी हैं, 3 क्षय रोग पर और एक एटलस फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी पर, वो भी भारतीय मरीजों पर। प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद जी बहुत ही सहज, सरल और सज्जन व्यक्ति हैं और अपनी विषय के प्रकांड विद्वान होते हुए भी जो मेरा विषय योग है उसमें भी उनका अच्छा खासा दखल है। प्रोफेसर प्रसाद ने अब तक 25 रिसर्च प्रोजेक्ट पर काम किया है और 150 MD, MS, DM, MCH और PhD थीसिस को सुपरवाइज किया। TB, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट TB, धूम्रपान, खासकर बीड़ी से होने वाला और बायोमास ईंधन का प्रयोग और फेफड़े के कैंसर से उसका संबंध और COPD जैसे रोगों पर प्रोफेसर प्रसाद का अनुसंधानात्मक योगदान अद्वितीय है। प्रोफेसर प्रसाद दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो से भी जुड़े हैं और उन्होंने ही कल्याणी जैसे साप्ताहिक स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम की दूरदर्शन पर शुरुआत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मैंने हमसे पूछा एक बार कि डॉक्टर इंद्र प्रसाद, आपने इतनी जो बुलंदियाँ आई कि आपको महसूस नहीं होता कहीं आप उड़ते हवा में नहीं हैं, तो इनका एक बड़ा अच्छा इन्होंने मुझे जुमला कहा था, लेकिन मैं उसको एक शेर में पेश करना चाहता हूँ ताकि वो लगे कि इनके अल्फाज तो गुजरे थे लेकिन मैं उसको मुकम्मल किया कि यकीनन मैं बुलंदियों पर यकीन रखता हूँ, यकीनन मैं बुलंदियों पर यकीन रखता हूँ मगर अपने पाँव के नीचे ज़मीन रखता हूँ। तो मुझे उस वक्त एहसास हुआ कितना सादा इंसान है ये, कितनी सोच इसकी बुलंद है लेकिन अपनी ज़मीन से उठता नहीं। डॉक्टर राजेंद्र साहब से हमने जो सबसे पहला पाठ सीखा वो इंसानियत का सीखा। हर रोज़ मैं सुबह 5 मिनट प्रार्थना करता हूँ, तो हम ईश्वर को याद करते हैं, मैं अपने माँ बाप को याद करता हूँ, अपने घर वालों को याद करता हूँ, उसमें मैं 2 मिनट सर को भी याद करता हूँ। आज भी उनके जैसा हम लोग बनना चाहेंगे, ज़िंदगी में उनके जैसा हम
1% भी बन पाए तो अपने को सफल माने। मैंने अपने अनुभवों से सीखा है कि आदमी कितने भी गरीब परिवार से आया, कितने भी गांव से आया, दूर जगह से आया, अगर वो मेहनत करे, मन लगा के काम करे, तो दुनिया की वो हर चीज हासिल कर सकता है। प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद आज भी जन कल्याण और चिकित्सा के क्षेत्र में अपना अमूल्य योगदान दे रहे हैं। उनके जीवन की उपलब्धियों को चंद लम्हों में बयां कर पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मगर उनकी जैसी शख्सियत के लिए ये कहना अपवाद न होगा कि वो संघर्ष, त्याग, मेहनत, लगन, एकाग्रता, दूरदर्शिता, संवेदनशीलता और दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत की जीती जागती मिसाल है। बावजूद